अमन सिंह जी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देख ले, उसके बाद बात करें। जहाँ तक के हरदेव की बात है तो उसके घर में चावल भी पहुँचा है, मनरेगा का घर उसको काम भी मिला है, प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है। अब यदि उस प्रकार से कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है, उसको इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए था। और जहाँ तक मेरे से मिलने की बात है तो मेरे से मिलने के लिए उन्होंने आवेदन दिया नहीं कि न किसी से संपर्क साधा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है और अभी भी करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक के रमन सिंह जी की बात है, रमन सिंह जी को पार्टी ने उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उनकी बड़ी भूमिका दी गई है। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिले ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे। तो यदि हैं तो अपने अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। यदि वो आलोचना भी करते हैं तो हम उसको सुझाव के रूप में लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई बात कह ही नहीं रहे और अनावश्यक गलत बातों पर तूल दे रहे हैं।